देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना बेटा, अगर आपने एक्यूरेटली मेजर करना है तो हम किसकी किसका यूज करेंगे बेटा? पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि वोल्ट मीटर भी क्या कर रहा होता है, वोल्टेज को मेजर कर रहा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा होता है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास ये मान लिया कि 5 ओम का ये रेजिस्टेंस है और इसके अंदर से 10 एम्पियर करंट क्या हो रहा है बेटा? फ्लो हो रहा है, ठीक है। 10 एम्पियर करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कितना आ जाएगा? V इक्वल टू क्या होता है? I इनटू R होता है। तो कितना आना चाहिए बेटा? 50 वोल्ट आना चाहिए, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए बेटा? 50 वोल्ट आना चाहिए। बट अगर आपने मेजर करने के लिए, पोटेंशियोमीटर को पता है आप किस चीज के अंदर, जो वोल्ट मीटर है उसको किसके अंदर लगाते होते हैं बेटा? पैरेलल के अंदर लगा रहे होते हैं। तो ये हमने मान लिया कि 5 ओम है, ये हमने कितना 10 एम्पीयर क्या है इसके अंदर करंट आया। अब इसको भी तो, क्योंकि पैरेलल में करंट क्या होगा? डिवाइड होगा। तो सीधी सी बात है बेटा, इसको भी चलने के लिए कुछ ना कुछ करंट तो चाहिए होगा। मान लिया कि थोड़ा ही सही कि भाई 0.2 एम्पीयर करंट इसने ले लिया, है ना। 0.2 एम्पीयर करंट इसमें आ गया तो कितना आ गया यहाँ पे? 9.8 आ गया, 9.8 आ। तो अब जो हमारे पास रीडिंग आएगी वो क्या आएगी? 5 × 9.8 आएगी, 5 × 40 = 49 आएगी, है ना। तो एक्चुअल में कितने वोल्टेज थी बेटा? 50 वोल्ट थी। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप देखना था हमें वो 50 वोल्ट था, लेकिन मिला कितना? 49 वोल्ट मिला। तो रीडिंग जो हमारी आई वो क्या आई बेटा? अप्रोक्सीमेट रीडिंग आई, ना कि एक्चुअल रीडिंग, ठीक है। तो इसलिए हम वोल्ट मीटर से एक्चुअल रीडिंग नहीं ले पाते, इसलिए हम किसकी जरूरत पड़ी बेटा? हमने पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ी। पोटेंशियोमीटर से हम क्या करेंगे कि एक्यूरेटली रीडिंग लेंगे। अब एक्यूरेटली रीडिंग कैसे हो सकती है बेटा? कब हो सकती है? कि भाई ये इससे कोई भी करंट ना ले, है ना। ये इससे अगर कोई भी करंट नहीं लेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने बिहाफ पे काम करेगा, सारा का सारा अपने बिहाफ से लेगा, यहां से कोई करंट नहीं जाएगा, इस वाला कोई करंट इसके अंदर नहीं जाएगा। मींस कोई डोनेशन नहीं ली इसने, कोई रिश्वत नहीं ली, ठीक है। बिना रिश्वत के अपने आप क्या बताएगा ये? इसकी वैल्यू बताएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उसके लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हैं। तो ऐसी डिवाइस जिसके अंदर हम इसका करंट यूज नहीं करेंगे, जिसके अक्रॉस हम मेजर करना है, वो करंट हम यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने किसका बनाया, किस क्या डिवाइस बनाई बेटा? पोटेंशियोमीटर बनाई गई है, क्लियर बच्चे। तो अब हम पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए वही एक वायर का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। किसका? एक वायर का यूज कर रहे होते हैं। और वो वायर में, जैसे हमने देखा था स्लाइड वायर ब्रिज के अंदर भी, यहां से सप्लाई के लिए, यहां से जो सप्लाई आएगी उसके लिए एक अलग से क्या लगा दी बेटा? हमने बैटरी लगा दी, ठीक है। अलग से क्या लगा दी हमने? एक बैटरी लगा दी, ईएमएफ यहां से अलग से लगा दी, क्लियर बच्चे। अच्छा, अब उसके बाद यहां एक रियोस्टेट लगा दिया इस टाइप से, ठीक है, और एक की लगा दी और ये यहां इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है इसका बेटा? सर्किट डायग्राम बन जाता है। मीन्स अब सारा का सारा करंट जो होगा वो इसमें इसके थ्रू आएगा, ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो इसमें से जो करंट आया है, मींस ये मेजर नहीं करना है हमने, ये हमारे पास क्या बेटा? पोटेंशियोमीटर है। जैसे इसको चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी? करंट की जरूरत पड़ती थी। तो वो करंट कहां से ड्रा करता था? यहां से ड्रा करता था। अब ये पोटेंशियोमीटर आपको बताएगा, पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में बताएगा, लेकिन इसको चलने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। अपने आप क्या ले रहा है बेटा? ये बैटरी लिए हुए है अपने आप करंट ड्रा करने के लिए, ठीक है। तो इसका अलग से सर्किट क्या करेंगे हम, मान के चलेंगे। तो इसके अंदर अगर मान लिया ये ईएमएफ ई है, ये रियोस्टेट है जिसका रेजिस्टेंस आर एच कह दिया हमने, और ये हमारे पास वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमने कितना बोल दिया? आर बोल दिया। तो इस सर्किट के अंदर करंट जो प्रोड्यूस होगा दैट इज आई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ई डिवाइड बाई में आर एच
प्लस में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर किसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा होगा बेटा, इस पोटेंशियोमीटर के अंदर इसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा होगा। क्लियर है बात। अब हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर का रियल स्ट्रक्चर है वो क्या है कि हमें देखो बेटा, सीधी सी बात है, अब एक बात बताओ, आप आपको वेट मेजर करना है। ठीक है, मान लिया किसी का वेट 20 किलोग्राम है। ठीक है, किसी का वेट कितना बेटा, 20 किलोग्राम है। आपके पास जैसे तराजू होती है, इस टाइप से जो तराजू होती है, दो पलड़े हो गए, एक यहां ये हो गया और एक यहां पे ये हो गया, इस टाइप से। ठीक है, तो ये हो गई। अब एक बात बताओ, यहां पे आपने किसी 20 किलोग्राम के बच्चे का वेट मापना है आपने, तो सीधी सी बात है हमारे पास जो बाट होनी चाहिए, जो ये जो मेजरमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट है, वो कितने होने चाहिए यहाँ पे, 20 किलोग्राम के होने चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, इस 20 किलोग्राम के बच्चे को मेजर कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर हमारे पास कितना हो गया, 40 किलोग्राम का आ गया कोई, ठीक है, और बोला कि हमारा वेट माप के बताओ, तो हमारे पास बाट कितने के है बेटा, 20 किलोग्राम के ही है, हम 40 किलोग्राम वाले का वेट नहीं बता पाएंगे। क्लियर है बच्चे? ठीक है, ऐसे ही अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, क्या करना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, मेजर करना है। किसी टर्मिनल के अक्रॉस मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है, ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास जो ये वायर है इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कि इसके दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट शुड बी एट लीस्ट 50 तो होना ही चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने 50 वोल्ट का ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कराना है तो इस वायर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन, है ना। अब जैसे हमारे पास ये बाट होते हैं, हमारे पास ये 60 किलोग्राम तक के बाट होते हैं, ठीक है, तो हम 40 किलोग्राम को क्या कर सकते थे, इजीली मेजर कर सकते थे, 60 किलोग्राम तक के बाट हैं, कोई 5 का, कोई 2 का, कोई 1 का, कोई 10 का, कोई 20 का, कोई इस टाइप से क्या है, हमारे पास ऐसे ही बाट होते तो हम क्या कर सकते थे, 40 किलोग्राम के वेट को आसानी से माप सकते थे, 50 के को भी आसानी से माप सकते थे, है ना, 60 के को भी आसानी से माप सकते थे, लेकिन 70 का आएगा तो फिर हमारे पास क्या होगी, बाट ये कम होगी। मीन्स ऐसे ही हमारे पास जो मेजरिंग है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर क्या हो गया, अब ये इसकी तरह काम करने लग गया, अब ये मेजरिंग डिवाइस है, इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा ना, इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उससे ज्यादा ये नहीं माप पाएगा। ठीक है, तो इस तार की लंबाई हम क्या कर देते हैं बेटा, क्योंकि जो हमारे पास आर है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए होता है, क्लियर है, और वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है, इसलिए तो आई इंटू रो इंटू एल डिवाइड बाई ए, मीन्स जो पोटेंशियल आपने मेजर करना है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर हम लेंथ बढ़ा देंगे तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हम ज्यादा मेजर कर पाएंगे। क्लियर है, तो इसलिए जो इस वायर की लेंथ रखी जाती है, स्लाइड वायर ब्रिज में 1 मीटर थी, इसके अंदर हम 1 से लेके 10 मीटर तक का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं वायर। ठीक है, कई बार ऐसे 4 मिलते हैं आपको, नॉर्मली लैब में देखोगे आप तो क्या मिलेंगे आपको, 4 वायर मिलेंगे इस टाइप से। ठीक है, कई बार 8 दिखाई देंगे आपको किसी पर्टिकुलर लैब के अंदर, इस टाइप से 8 वायर भी मिलेंगे, मतलब 8 मीटर लेंथ है उसकी, किसी में 10। ठीक है, तो लगभग क्या मान के चलते हैं बेटा, इनको फोल्ड इसलिए कर देते हैं क्योंकि अगर 10 मीटर का इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे हम, 10 मीटर लंबा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे तो रखने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, उसको फोल्ड कर सकते हैं, मींस हम जो लेंथ बनाएंगे इसके अंदर वो कुछ इस टाइप से बना लेते हैं बेटा कि यहां से हमने एक स्ट्रिप से इसको, मतलब पिन लगा के इसको इस टाइप से मोड़ दिया, यहां से हमने क्या कर दिया, मोड़ दिया, यहां से भी क्या कर दिया, मोड़ दिया, यहां से भी क्या कर दिया, ऐसे इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, तो ये ज्यादा हम क्या कर देते हैं, इसकी लेंथ को हम इससे इंक्रीज कर देते हैं ताकि जो हमारे पास
पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप को भी हम क्या कर सके, मेजर कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो नंबर ऑफ फॉल्ट्स हैं वो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्लियर है बेटा बात? ठीक है। लेकिन जो सिंबल है, सिंबल में हम क्या रखेंगे, एक ही वायर शो कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक ही वायर शो कर देंगे। क्लियर बच्चे? तो ये आर रेजिस्टेंस है, एल लेंथ है, इस हिसाब से हम क्या करते हैं। अब एक चीज है बेटा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया, तो इसका मतलब जो i रो बाई a है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू k इनटू l लिख सकता हूं। तो k क्या आ जाएगा हमारे पास, v बाई में l आ जाएगा। ठीक है, मींस जो पोटेंशियोमीटर है दैट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, और ये v बाई l पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोल देते हैं बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है। जैसे आपने प्लस वन क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो जो वेलोसिटी में चेंज था पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, वो क्या बन गया था बेटा हमारे पास, वेलोसिटी ग्रेडियंट बन गया। तो पर यूनिट लेंथ के हिसाब से जो क्वांटिटी आ रही है, हम उसको मोस्टली क्या बोल देते हैं, ग्रेडियंट की टर्म में बोल देते हैं। क्लियर बच्चे? तो ये क्या था, पोटेंशियोमीटर, ये इसकी क्या थी कंस्ट्रक्शन, ये इसका क्या था यहाँ पे प्रिंसिपल था, कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा। और उसके लिए असेंशियल कंडीशन क्या है, जो भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके अक्रॉस, मीन्स इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, ठीक है, यही क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर है ना, यही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, यही तो पोटेंशियोमीटर का काम कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर मस्ट बी ग्रेटर देन द पोटेंशियल टू बी मेजर। क्लियर बच्चे? जो पोटेंशियल आपने मेजर करना है उससे ये क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब हम इस पोटेंशियोमीटर की क्या पढ़ेंगे बेटा, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कि एप्लीकेशन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, हम कहां कहां पे इसका यूज कर रहे होते हैं पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, देखो बेटा, जो पोटेंशियोमीटर की पहली एप्लीकेशन है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। ठीक है, क्या करना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, और मान लिया हमारे पास ये रेजिस्टेंस था R। क्लियर है, हमने किससे कनेक्ट कर दिया बेटा इसको, एक बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया हमने इसको। ठीक है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें से क्या होगा बेटा, करंट जाएगा। अब ये देखना है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये आपने क्या करना बेटा, मेजर करना है। ठीक है, तो ये ईएमएफ हमने E मान ली, E1 मानो, जो भी मानो आप E मान ली। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा, इस बैटरी का हमने क्या मान लिया बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, वो भी हमने यहाँ पे शो कर दिया। ये हमने क्या मान लिया, R डैश मान लिया। क्या मान लिया बेटा, R डैश मान लिया, यहाँ पे R नहीं माना, क्योंकि R हमने क्या माना हुआ है, इस पोटेंशियोमीटर के वायर का रेजिस्टेंस माना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमने EMF E और R डैश इंटरनल रेजिस्टेंस मान। क्लियर है बच्चे? तो इसका हमने क्या निकालना है, EMF मेजर करना है। तो किसके हेल्प से, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो सीधी सी बात है, पोटेंशियोमीटर चाहिएगा हमें, तो पोटेंशियोमीटर बना लेंगे। तो पोटेंशियोमीटर ये बना लिया। ठीक है, वायर में एक ही कंसीडर कर रहा हूं, यहां पे सारे नहीं कर रहा, तो सिंबल लिख रहा हूं जस्ट, कि भाई एक वायर से हमने काम चला लिया, मतलब इसकी लेंथ इतनी, लंबाई ज्यादा थी। फोल्डिंग तो जस्ट क्या कर रहा बेटा, वो स्पेस को घटाने के लिए। ठीक है, अब यहां हमने क्या लगाया हुआ था, ईएमएफ लगाई हुई थी, बैटरी लगाई हुई थी। ठीक है, अच्छा, यहां सीरीज में करंट मेजर करना है तो एमीटर लगा देंगे, यहां पे क्या लगा देंगे बेटा, एक रियोस्टेट लगा देंगे, यहां क्या लगा रखी थी हमने, एक की लगा रखी थी, और उसके बाद इसके साथ ये इस साइड से कनेक्टेड था। ठीक बेटा, तो ये किसका डायग्राम है, पोटेंशियोमीटर है, तो अपने आप चलने के लिए इससे ये करंट नहीं लेगा, इससे ये करंट नहीं लेगा इसके चलने के लिए। ठीक है, तो इसका क्या है बेटा, ये अलग से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, अलग से पोटेंशियोमीटर। अब ये रेजिस्टेंस हमें क्या करना है बेटा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है।
तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसके साथ यहां पे कनेक्ट कर देते हैं। इस टाइप से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां कोई की जोड़नी है, की वगैरह का यूज करना है तो क्या कर लेंगे हम, की का यूज कर लेंगे। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि इसके साथ गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, और गैल्वेनोमीटर के साथ क्या कर दी बेटा, एक जॉयस्टिक की जो की ऐड कर दी, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, इसका रेजिस्टेंस क्या मान लिया हमने, आर मान रखा है, और ये क्या हमारे पास सेल है ई और आर डैश वाली, ठीक है। क्लियर है बच्चे। अच्छा, अब मान लिया जब तक ये कनेक्टेड नहीं है इसके साथ, इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, तब तक इसका जो रेजिस्टेंस है यहां और यहां, ठीक है, ओवरऑल इनके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो हमने कितना मान रखा बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना मान रखा बेटा हमने, आर मान रखा है। क्लियर है। अब जो पोटेंशियल जो होगा इसकी फुल लेंथ के अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस क्या है बेटा, फुल लेंथ, पोटेंशियल अक्रॉस फुल लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो जाएगा, आई जो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इनटू में जो हमारे पास इसका रेजिस्टेंस है, किसका, वायर का, ये हमने लिख दिया कि पोटेंशियल कितना बेटा फुल लेंथ के अक्रॉस। तो इसकी लेंथ अगर आप कंसीडर करना चाहो तो लेंथ भी कंसीडर कर सकते हो बेटा, कि लेंथ हमने कितनी मान ली, इसकी लेंथ मानना चाहो तो लेंथ कितनी मान ली हमने, ये कैपिटल एन इसकी लेंथ मान ली, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये फुल लेंथ के अक्रॉस हमने मेजर कर लिया। अब अगर मान लिया यहां आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है, तो ये मान लिया हमने कितना बेटा, ये जीरो मान लिया पोटेंशियल, यहां पे कितना है पोटेंशियल, जीरो है, और यहां पे पोटेंशियल कितना मान लिया, वी मान लेते हैं। तो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती जाएगी तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, और V इज इक्वल टू आई आर मतलब रो इंटू एल बाई ए होता है ना, ये हमने पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर और दैट इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था बेटा, के एल आ गया था, इस टाइप से हमने रिलेशन किया था, V इज इक्वल टू क्या था, के एल। तो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल भी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। अगर यहाँ पे जीरो था तो यहाँ पे क्या हुआ, मान लिया 100 मान लिया, तो यहाँ कहीं कितना आया होगा, 30 आया होगा, यहाँ कहीं कितना आया होगा, 50 आया होगा, यहाँ कहीं कितना आया होगा, 70 आया होगा, यहाँ कहीं कितना, 80 90 आया होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा, ये 100 गया होगा, है ना, क्योंकि लेंथ के क्या है बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बात। तो ये चीजें हमें समझनी बिल्कुल जरूरी है बेटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ इसका कनेक्शन कर देते हैं, मान हमने क्या किया बेटा, इसका कनेक्शन कर दिया, ठीक है। हमने जॉयस्टिक की को यहां से लेके चलना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल शुरुआत से हम क्या करें बेटा, यहां लगाया हमने, ठीक है। पोटेंशियल क्या था, जीरो था, ठीक है, पोटेंशियल क्या था बेटा, जीरो। अब इसमें यहां जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है बेटा, ज्यादा है, यहां पे पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, यहां पे पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो करंट क्या होगा, फ्लो होगा, करंट कहां से कहां फ्लो होता है बेटा, हायर टू लोअर पोटेंशियल पे क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में क्या आएगी, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगी, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्या देगा बेटा, यहां पे डिफ्लेक्शन देगा, मींस अगर ये पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का तो ये जीरो है, तो डिफ्लेक्शन या तो इस साइड आएगी या क्या आएगी बेटा, इस साइड आएगी, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होगी वो कुछ इस टाइप से शो करेगी कि डिफ्लेक्शन देगी इसको, ठीक है। अब हमें क्या नोट करना बेटा कि इसकी डिफ्लेक्शन क्या आ जाए, जीरो आ जाए, है ना, इसकी डिफ्लेक्शन क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जीरो कब आएगी, जब यहां पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर ने क्या दे दी, नल डिफ्लेक्शन। तो हम यहां से चलते गए, चलते चलते गए बेटा, यहां से मान लिया जॉयस्टिक की ने आगे क्या दे दी, नल डिफ्लेक्शन दे दी,
ठीक है, कितनी रेट बेटा, नल डिफ्लेक्शन मींस यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या हो गया भाई, बराबर हो गया। अब एक बात बताओ, क्या इस वायर ने इससे कोई करंट लिया? नहीं, क्योंकि करंट तो कहां आ रहा है, इससे आ रहा है, नो प्रॉब्लम। तो जो यहां का पोटेंशियल है और यहां का पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, बराबर हो गए, तो इसने क्या दे दिया यहां पे, नल डिफ्लेक्शन। समझ आ गई बात, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, इसने नल डिफ्लेक्शन दे दिया। हमें क्या करना है कि भाई इसका मतलब यहां तक का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या हो गए, बराबर हो गए ना दोनों, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या हो गए, बराबर हो गए, तभी तो क्या आई है, नल डिफ्लेक्शन आई है। अदरवाइज तो क्या आती बेटा, डिफ्लेक्शन इसके अंदर कंटिन्यूसली होती रहती। क्लियर है? तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे। मान लिया ये स्मॉल एल लेंथ के ऊपर क्या दे दी इस गैल्वेनोमीटर ने, डिफ्लेक्शन दे दी। क्लियर है? तो इस लेंथ के अक्रॉस हमें क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ गए बेटा बात को, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास अगर फुल लेंथ कितनी बेटा, एल है, ठीक है, फुल लेंथ कितनी थी, एल थी। अगर लेंथ एल है देन पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा, आई इंटू आर है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आई इंटू आर कह दिया हमने, ठीक है। और अगर लेंथ कितनी बेटा, वन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, आई आर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। और अगर लेंथ कितनी है, स्मॉल एल है, देन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, आई आर बाई एल इंटू क्या आ जाएगा बेटा, एल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। आई की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इससे मेजर कर सकते हैं, आई की वैल्यू यहां से करंट से क्या, जो एमीटर लगा रखा है, हम यहां से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आर की वैल्यू, ये जो रेजिस्टेंस का वायर है ये है, लेंथ ये है एल, और ये क्या है, कैपिटल एल है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बेटा, रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? अब उसके बाद जो आई आएगा, आई आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, अगर कैलकुलेट करनी है तो ये ईएमएफ आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, डिवाइड बाय में क्या था, आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर इसका रेजिस्टेंस मान लिया हमने, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। तो इस टाइप से हम क्या मान लेते हैं, आई की वैल्यू क्या लिख देंगे, ई डिवाइडेड बाय में आर प्लस आर इंटू R L डिवाइड बाय में कैपिटल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे इसकी हेल्प से। क्लियर है बच्चे? ठीक है। अब इसके अंदर देखो बेटा, अब जो हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ रहे होंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन के अंदर क्या है कि हमें कंपेरिजन करना है, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन है, दैट इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, कि किस सेल का ईएमएफ कम है और किस सेल का ईएमएफ क्या बेटा ज्यादा है, ठीक है। तो वो कंपैरिजन आपने करना है, तो कंपेयर करेंगे तो एटलीस्ट कितनी, दो सेल तो होनी चाहिए, ठीक है। तो एक सेल हमने ये मान ली और एक सेल ये मान ली, इसका ईएमएफ E1 मान लिया और इसका ईएमएफ हमने E2 मान लिया। क्लियर बच्चे? तो ये ईएमएफ हैं जो हमारे पास, इस टाइप से हम कनेक्शन कर लेंगे, ठीक है। और यहां हम क्या कर देते हैं कि की लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बेटा, की लगा देते हैं, ठीक। अच्छा, ये सर्किट कंपैरिजन करना है अब हमें, तो ये सर्किट एज इट इज हम कहां लगा देंगे, जहां देखो पोटेंशियोमीटर तो यहां तक था ही, ये तो हमारा क्या बेटा, पोटेंशियोमीटर ही है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब जो काम करना है वो इस टर्मिनल पे ले आए, कंपैरिजन करना है तो लियो भाई, कंपैरिजन के रिस्पेक्ट में आ गया हम तो, कि ये हमारे पास दो सेल थी, ये दो सेल ले आए भाई, ठीक है। यहां पे हमने क्या लगा दिए, की है जो, और फिर उसके साथ क्या कनेक्टेड बेटा, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर के साथ कौन कनेक्टेड है, जो स्टिकी कनेक्टेड है, ठीक है, ये जो की कनेक्टेड है, इसका ईएमएफ E1 मान लिया, इसका ईएमएफ हमने क्या मान लिया बेटा, E2 मान लिया। अब प्रिंसिपल वही रहेगा इसका भी, हमने क्या किया, पहले इस सेल को जोड़ दिया, इस सेल को जोड़ दिया, बटन ऑन किया,
तो हमने देखा कहां से, ऐसे ही इसके अंदर भी बेटा स्टार्टिंग से हम यहां से लेके आए कि यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से इस टाइप से बढ़ाते गए, ठीक है। और हमने देखा कि यहां पे आके लेंथ क्या मान ली हमने, L1 मान ली, क्योंकि दो का कंपैरिजन करना है तो दो लेंथ कंसीडर करनी पड़ेगी हमें। तो यहां पे आके क्या दे दी इस गैल्वेनोमीटर ने, नल डिफ्लेक्शन दे दी। नल डिफ्लेक्शन इस गैल्वेनोमीटर ने क्यों दे दी, मान लिया क्योंकि इसका जो ईएमएफ है, ये जो पोटेंशियल है, और यहां से चल के आ रहे थे हम, ये जो पोटेंशियल है, ये दोनों इसके ऊपर क्या हो गए बेटा, बराबर हो गए। तो यहां हमें क्या मिल गई, नल डिफ्लेक्शन मिल गई इस केस के अंदर, ठीक है। यहां हमें क्या मिल गई बेटा, नल डिफ्लेक्शन मिल गई। और जब हमें ये नल डिफ्लेक्शन मिल गई, उस लेंथ को हमने क्या कर लिया, नोट कर लिया, L1 आ गई। तो इस नल डिफ्लेक्शन वाली लेंथ से हम पोटेंशियल काउंट कर सकते हैं या ईएमएफ काउंट कर सकते हैं। ईएमएफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, के टाइम्स L1 आ जाएगा, क्योंकि ईएमएफ क्या था, हमने पता है ना पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या था, के था, तो V इज इक्वल टू KL। तो इसी टाइप से के क्या आ जाएगा बेटा, L1 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इस सेल को रिमूव कर दिया, इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, यहां से लेके चले, यहां से लेके चले। तो अब की बार क्या हुआ, जॉयस्टिक की जो डिफ्लेक्शन थी हमारी, वो यहां L1 लेंथ पे ना आके कितनी लेंथ पे आ गई बेटा, L2 लेंथ पे आ गई, ठीक है, L2 लेंथ पे आ गई। तो इसका मतलब कि जो नल डिफ्लेक्शन आई है, कि इसका पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए, तब जाके क्या आई बेटा, नल डिफ्लेक्शन आई हमारी, है ना, नल डिफ्लेक्शन आई। तो इसका मतलब जो ईएमएफ E2 है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, के टाइम्स L2 हो जाएगी। अब हम क्या करें बेटा, E1 by E2 कैलकुलेट कर देंगे, तो के टाइम्स L1 डिवाइड बाय में के टाइम्स L2, K से K कैंसिल, तो E1 by E2 क्या आ जाएगी बेटा, L1 by में L2 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर L1 greater than L2 हुई, है ना, अगर L1 क्या है बेटा, greater than L2 हुई, तो इसका मतलब जो L1 by L2 है, that is greater than क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब E1 by E2 भी क्या हो जाएगा, greater than 1। This implies क्या कर रहा है, E1 greater than E2 आ जाएगा, ठीक है। compare कर दिया भाई, इसका EMF क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका EMF क्या होगा, कम होगा। अगर L1 क्या हो बेटा, less than L2 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, L2 by L1 क्या हो जाएगा, greater than 1 हो जाएगा, है ना, L1, L2 by L1 क्या हो जाएगा, greater than 1 हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर ये वाली कंडीशन आ गई हमारे पास, तो इसका मतलब L1 by L2, क्योंकि हमने यहाँ पे L1 by L2 लिखा है, तो that is equal to क्या हो जाएगा, less than 1 हो जाएगा, है ना। तो L1 by L2 less than 1 हो गया, तो E1 by E2 भी क्या हो जाएगा, less than 1, तो E1 less than क्या आ जाएगा बेटा, E2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, इनका EMF का comparison हो जाएगा। तो इस टाइप से हम second application पढ़ रहे हैं इसकी, comparison of EMF of cells। अब एक बहुत important सी application और है, कि to find the internal resistance of the cell, आपने क्या करना बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किसका, सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा आप, सीधी सी बात है, इंटरनल सेल का सर्किट याद है आपको, जब हम इंटरनल सेल पढ़ रहे थे, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल पढ़ रहे थे, तो उस केस में हमने यहां पे आर लिया था और यहाँ पे EMF था और यहाँ इसका क्या था बेटा, रेजिस्टेंस था इस टाइप से, है ना, और ये इसके साथ में कनेक्टेड था। तो अब हमें क्या चाहिए था कि R इज इक्वल टू क्या था बेटा, R इज इक्वल टू E by V माइनस वन इंटू में R था, है ना, क्या था बेटा हमारे पास, R इज इक्वल टू E by V minus 1 into में R, ये चाहिए था, ठीक। तो थोड़ा सा अब की बार देख लो इसको भी, क्या करना हमें, ये application as it is हम यहाँ पे लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये structure हम as it is यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये वायर था हमारे पास, क्लियर है, और ये स्ट्रक्चर एज इट इज हमने यहां पे बना,
ठीक है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ईएमएफ है, और ये हमने इसके साथ ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, अब क्या करना हमें, गैल्वेनोमीटर वही और वही चीजें कैलकुलेट करनी। ये था ना बेटा हमारे पास। तो जब एक बात बताओ आप, जब आपको ईएमएफ कैलकुलेट करनी है, यहां पे ये किसका सिंबल बेटा, ईएमएफ का सिंबल है ना, ईएमएफ कैलकुलेट करनी है जब आपको, तो हमें किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जरूरतें नहीं पड़ती होती, क्योंकि ईएमएफ क्या होती है, ओपन सर्किट के केस में होती है ना। ईएमएफ किस में होती है बेटा, ओपन सर्किट के केस में होती है। तो हम इस की को ऑन नहीं करेंगे, ये की क्या रखेंगे, ऑफ रखेंगे, मतलब इस रेजिस्टेंस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे पास जब हम क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे, ई कैलकुलेट कर रहे होंगे। क्योंकि अब आपने कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स में देखा था, तो उसके अंदर भी क्या था, ये ई1 था, ये क्या था हमारे पास, ई2 था, तो ई1 ई2 एज इट इज निकाल लिए थे हमने विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब हम ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो की है इसको हम क्या रखेंगे बेटा, ऑफ रखेंगे। तो ईएमएफ यहां पे क्या लिख दिया हमने, रेजिस्टेंस। तो जब के ऑफ है, ये की क्या है बेटा, ऑफ है, ठीक है, ये की ऑफ है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे इस रेजिस्टेंस, इसका सेल का क्या करेंगे बेटा, हम ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे। और ऐसे ही क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक क्या करेंगे, नल डिफ्लेक्शन चेक करेंगे कि कहां पे गैल्वेनोमीटर क्या दे रहा है, नल डिफ्लेक्शन दे रहा है। अगर जहां पे भी नल डिफ्लेक्शन आ गई कि ये की1 ऑफ है, तो इसका मतलब ये सर्किट ऐसा है सीधा एज इट इज, तो के ऑफ है, तो ईएमएफ पे जहां पे इसका पोटेंशियल होगा वहां पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, उस लेंथ पे हम क्या निकाल लेंगे बेटा, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो वैल्यू आ गई हमारे पास, मान लिया L1 लेंथ के ऊपर इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, तो ईएमएफ क्या हो जाएगी बेटा, के टाइम्स L1 हो जाएगी। क्लियर है बात। अब हमें क्या करना बेटा, के जो की है, K1 की है जो, उसको हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, ऑन कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी इसके साथ क्या हो गया, कनेक्शन में हो गया, ये की क्या कर दी बेटा, ऑन कर दी, तो ये भी क्या हो गया, कनेक्शन में हो गया। अब जो डिफ्लेक्शन आएगी, ठीक है, अब जो डिफ्लेक्शन आएगी, यहां से फिर हमने स्टार्ट किया, फिर क्या किया, नल डिफ्लेक्शन चेक किया, मान लिया ये यहां पर आ गई, ठीक है, यहां पर आ गई नल डिफ्लेक्शन, तो जो हमारे पास यहां आएगा वो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इसके अक्रॉस हमने क्या किया था, पोटेंशियल डिफरेंस, आपने जब पहली एप्लीकेशन पढ़ी हो इसकी, पोटेंशियोमीटर की जो आपने पहली एप्लीकेशन थी, वो डायग्राम और ये डायग्राम क्या बन गया, सेम बन गया। तो उसमें हमने क्या किया था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस क्या किया था बेटा, हमने कैलकुलेट किया था। तो यहां भी हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया इस सर्किट का यूज करके। तो इसका मतलब जो यहां पे आएगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L2, मान लिया ये लेंथ कितनी आ गई बेटा, यहां पे L2 आ गई, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, K टाइम्स L2 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, E, E की जगह पे क्या लिख दूं मैं, K L1 डिवाइड बाय मैं V लिख दूं, तो क्या आ जाएगा, K L2 माइनस 1 इनटू क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, K से K कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L1 बाय L2 माइनस 1 इनटू में क्या आ जाएगा, R, दैट विल बी आवर रेजिस्टेंस। क्लियर बच्चे, तो ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चे।